दोस्तों, ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं और इन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवीज भी दी हैं। ऋतिक ने अपने फिल्मी कैरियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसके बाद जाकर इन्होंने ये सफलता पाई है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऋतिक रोशन के बारे में 20 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप ऋतिक के फैन हैं तो इस वीडियो पर इनके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 1, ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राकेश रोशन है, जो कि अपने समय के मशहूर एक्टर हैं। इनके पिता एक्टर भी रह चुके हैं और इनकी माँ का नाम है पिंकी रोशन। फैक्ट नंबर 2, ऋतिक की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से हुई। इसके बाद इन्होंने सैडनहाम कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने इस कॉलेज में कॉमर्स ग्रेजुएशन की डिग्री ली। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋतिक मास्टर्स की डिग्री के लिए यूएस चले गए। फैक्ट नंबर 3, ऋतिक ने बचपन से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1980 में आई फिल्म आशा और आपके दीवाने में ऋतिक रोशन ने बच्चे के रूप में काम किया था। ऋतिक के दादा और उनके पिता ऋतिक को लकी मानते थे, इसीलिए फिल्म में ऋतिक को छोटी छोटी भूमिकाएं दी जाती थी। फैक्ट नंबर 4, ऋतिक को बचपन में स्पीच डिसऑर्डर था, जिससे वो हकलाकर बात करते थे और उनका स्कूल में काफी मजाक भी उड़ाया जाता था। ऋतिक ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब मेरे स्कूल में ओरल टेस्ट होता था तो मैं उस दिन स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी और झूठ का बहाना बनाया करता था। फैक्ट नंबर 5, ऋतिक हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हकलाने की वजह से उन्हें कई लोगों ने कहा कि वो एक्टर नहीं बन सकते और इस बात से ऋतिक काफी हर्ट भी हुए थे। इसके बाद ऋतिक को लगा कि उन्हें अपने स्पीच डिसऑर्डर को ठीक करने की जरूरत है, जिसके लिए इन्होंने स्पीच थेरेपी की मदद ली और आहिस्ता आहिस्ता इनकी हकलाने की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। फैक्ट नंबर 6, ऋतिक बचपन से ही अपने पिता के लाडले रहे हैं। ऋतिक रोशन के साथ उनके पिता की काफी अच्छी बॉन्डिंग है। एक शो के दौरान ऋतिक से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने पिता की मार खाई है, तो ऋतिक ने बताया कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहे थे, इसी दौरान खेल खेल में उन्होंने कांच की बोतलें घर की टेरेस से नीचे फेंक दी और इस हरकत की वजह से ऋतिक को अपने पिता से बहुत मार पड़ी। फैक्ट नंबर 7, ऋतिक के पिता राकेश रोशन चाहते थे कि ऋतिक फिल्मों में काम करने से पहले फिल्मों की बारीकियों और उसकी पिक्चर हार्डवर्क को सीखे, इसीलिए उन्होंने ऋतिक को किंग अंकल, करण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में अपने साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा। फैक्ट नंबर 8, ऋतिक ने मुखिया एक्टर के तौर पर फिल्म कहो ना प्यार है से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। ये सारी कन्वर्जन उनके पिता राकेश रोशन ने किया था। ये फिल्म काफी सुपरहिट रही थी और इस फिल्म से ऋतिक रातों रात स्टार बन गए थे। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के बाद ऋतिक ने कई फिल्में की, जैसे फिजा, यादें, मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ना तुम जानो ना हम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई और माना जा रहा था कि ऋतिक का कैरियर खत्म होने वाला है। इसके बाद उनके पिता राकेश रोशन ने उन्हें कोई मिल गया फिल्म में लॉन्च किया, जो कि इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट रही। फैक्ट नंबर 10, इसके बाद ऋतिक ने धूम 2, बैंग बैंग, क्रिश 2 जैसी फिल्में की, जिससे उनकी इमेज एक एक्शन स्टार के तौर पर एस्टेब्लिश हो गई। फैक्ट नंबर 11, बॉलीवुड मेगा डांस की बात होती है तो सबसे पहले ऋतिक का नाम आता है। मैं ऐसा क्यों हूँ फिल्म लक्ष्य के इस सॉन्ग ने भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार डांसर को एक साथ ला दिया पर्दे पर। ऋतिक रोशन और पर्दे के पीछे प्रभु देवा फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने इस गाने में ऋतिक रोशन के डांस की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी प्रभु देवा को दी थी और नतीजा ये रहा कि इस डांस को लोगों ने बहुत पसंद किया। फैक्ट नंबर 12, शानदार एक्टर और बेहतरीन डांसर होने के साथ ऋतिक एक अच्छे सिंगर भी हैं। हालांकि उनकी ये खासियत सामने लेकर आए डायरेक्टर शंकर एहसान। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन ने फरहान अख्तर और अभय देओल के साथ मिलकर सेनोरिटा गाना गाया था, जो कि सुपरहिट साबित हुआ। फैक्ट नंबर 13, ऋतिक के नाम बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार होते हैं जो कि अक्सर काफी शांत रहते हैं। ऋतिक को लोगों के साथ कठोर हरकतें करते हुए कभी नहीं देखा गया, लेकिन बात जब उनके बच्चों पर आती है तो ऋतिक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। एक ब्रांड ने जब ऋतिक की जानकारी के बिना उनके और उनके बच्चों की फोटो का यूज किया तो ऋतिक गुस्से के बिना नहीं रह सके। फैक्ट नंबर 14, ऋतिक ने अपने ट्विटर हैंडल से उस तस्वीर पर ट्वीट किया जिसमें ऋतिक और उनके बच्चों का फोटो इस्तेमाल किया गया था। इस पर ऋतिक ने लिखा कि डियर टॉमी, मैं आपके कपड़े नहीं पहनता और ना ही मेरे दोनों बेटे आपके ब्रांड को प्रेफर करते हैं। फैक्ट नंबर 15, ऋतिक ने अपने फिल्मी कैरियर में ऐसी कई फिल्में रिजेक्ट की हैं जो अपने आप में सुपरहिट साबित हुई थी।
फैक्ट नंबर 16, ऋतिक और कंगना रनौत का नाम बहुत चर्चाओं में रहा था, लेकिन इनके बीच में बात तब से शुरू हुई जब एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने ऋतिक को अपना एक्स कह दिया। ऋतिक ने इसके लिए कंगना को लीगल नोटिस भी भेजा और माफी मांगने के लिए भी कहा, लेकिन इस बात पर कंगना का कहना था कि ऋतिक उनके साथ रिलेशनशिप में थे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था। लेकिन वहीं ऋतिक का कहना था कि वो कभी कंगना के क्लोज हुए ही नहीं थे। फैक्ट नंबर 17, ऋतिक बॉलीवुड के उन मशहूर एक्टर्स में से एक हैं जिनके मुंह का पुतला लंदन के फेमस म्यूजियम में लगाया गया है। फैक्ट नंबर 18, ऋतिक को हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में अली फजल का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन ऋतिक ने इस रोल को करने से मना कर दिया क्योंकि ये रोल बहुत ही छोटा था। फैक्ट नंबर 19, ऋतिक के दाएं हाथ में दो अंगूठे हैं और आमतौर पर वो फिल्मों में ये अंगूठे छुपाकर रखते हैं। ऋतिक अपने इन दोनों अंगूठों को अपने लिए लकी मानते हैं। दोस्तों, ये थे ऋतिक रोशन की लाइफ के बारे में 20 फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में लाजमी बताएं, और अगर आप ऋतिक के फैन हैं तो इस वीडियो पर इनके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा।